मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन व श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशन पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शंकरगढ़ पहाड़ी पर स्थित न्यायवाटिका में पौधारोपण कर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने बताया कि पंच जे अभियान के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से विगत वर्ष से पौधारोपण किया जा रहा है। पर्यावरण एवं पृथ्वी हमारा निवास स्थान है एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण होने वाली क्षति को रोकने एवं उसके संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कर स्वयं मानव जीवन का एवं पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। साथ ही यह संकल्प लेना है कि हम सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर नागरिकों के मूल कर्तव्य का पालन करते हुए जैव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम में वन विभाग के DFO प्रदीप मिश्रा उपस्थित थे। उनके द्वारा पौधारोपण के रोपण इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। किस प्रकार से पौधारोपण कर एक पौधे को वृक्ष के रूप में विकसित कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है एवं उपस्थित लोगों को वन्य संरक्षण पर्यावरण संरक्षण हेतु सहयोग हेतु आश्वस्त किया। कार्यक्रम में श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सचिव धनश्याम मोदी, उपाध्यक्ष सुश्री रुक्मणी परमार, वैशाली शर्मा, देवास चाइल्ड लाइन से जितेंद्र सुनरातिया, विजय परमार आदि सामाजिक संस्था सदस्य व आमजन उपस्थित रहे। उपरोक्त पौधारोपण कार्यक्रम न्याय वाटिका में वन विभाग देवास, श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं चाइल्ड लाइन देवास का सहयोग रहा। पौधारोपण किया था, हमने एक संकल्प लिया था ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, तो हमने हर जगह पौधारोपण किया और हर घर पे जागरूक भी किया कि हर एक घर पे एक पौधा अवश्य लगाए। यही मेरा संकल्प है और इस बार भी मैंने संकल्प ले रही हूँ कि मैं हर शहर में पौधारोपण करूँगी। धन्यवाद। घटाव हो रहा है और गर्मी और पर्यावरण का दुष्प्रभाव हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।